गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में जो स्टोरी मैं आपको बतलाने जा रही हूँ उसका नाम है बर्थ। दिस हैज बीन रिटन बाय ए.जे. क्रोनिन। एक्चुअली ये जो आपके बुक में 11th क्लास के बुक में जितनी स्टोरी दी हुई है वो एक नॉवेल है द सिटेडल। इसका पोर्शन, इसका कुछ पार्ट, उसका एक हिस्सा सिर्फ आपको दिया, इट्स जस्ट एन एक्सर्प्ट। और ये नॉवेल है जो कि एक्चुअली ए.जे. क्रोनिन ने लिखी है। तो इस वजह से जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत सारे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी आएंगे जो कि जिनका जिक्र ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो कैरेक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि उस नॉवेल में उनका काफी जिक्र है। तो एक्चुअली इस बर्ड्स वाले चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि एंड्रयू मैंशन जो कि अभी अभी एक मेडिकल स्कूल से पढ़ के निकला है और वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में ट्रेडिंग कर रहा, उनका असिस्टेंट की तरह वो काम कर रहा है और वो वहां अपने काम को खत्म करके वो एक्चुअली कौन सी जगह से काम करके आ रहा, वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लैंडली, यहाँ पे वो काम करता है और वहां से वो अपने घर जो कि ब्राइन गोवा में है, ये एक जगह का नाम है जहां पर उसका घर है, वो वहां लौटता है। और जब वो वहां पर अपने घर पर लौटता है तो देखता है क्या कि वहां पे जो मॉर्गन जो वो बहुत तेज तेज उसके क्लिनिक के पास बहुत तेज तेज आगे पीछे चल रहा है, कुछ सोच रहा है। और तभी वो वहां पहुंचता है और वो पूछता है कि आखिर बात क्या है। तभी जो मॉर्गन उनको बतलाता है कि वो और उनकी वाइफ जो सुजान मॉर्गन, वो 20 साल हो गई उनकी शादी को और अभी वो पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मींस आज डिलीवरी डेट है, शायद वो लेबर पेन उनकी वाइफ को शुरू हो गया है और इसलिए वो डॉक्टर एंड्रयू मैंशन को फेच करने के लिए, ले जाने के लिए आए हैं। तो एंड्रयू मैंशन एक्चुअली वाज क्वाइट टेंस्ड, उनकी जो गर्लफ्रेंड रहती है क्रिस्टीन, इनसे उनका झगड़ा हुआ रहता है, कोई सम लाइक ही हैड फाइटेड हिम इन कार्डिफ स्टेशन, कुछ उससे एक रिलेशन खराब हुआ रहता है। एक्चुअली इनको ये स्टोरी में भी एक्चुअली बहुत क्लियरली ये बतलाया नहीं गया, बट ही हैड अ बैड रिलेशनशिप, अ बैड फाइट विथ हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन और वो बहुत टेंशन में लौटता है। और जब वो जॉन मॉर्गन को देखता है तो वो उसको बोलता है ठीक है आप थोड़ा देर रुकिए, और वो घर जाकर के और अपना जो डॉक्टर्स का बैग होता है, मेडिकल बैग, वो लेकर के बाहर आता है। फिर दोनों लोग एंड्रयू मैंशन और जॉन मॉर्गन की गाड़ी में बैठ जाते हैं और नंबर 12 ब्लैना टेरेस जो कि जॉन मॉर्गन का घर रहता है वहां पर, वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौसम बहुत ही प्लीजेंट सा रहता है, जो एंड्रयू मैंशन उसके माइंड में बहुत सारा टेंशन रहता है, उसके बार बार उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा उसके सामने आता है, वो बहुत कंफ्यूज रहता है और वो एक शांति जो रात में, चूंकि बीच ठीक मिडनाइट रहता है तो एक शांति रहती है रोड पे और उसमें एक इन लोगों को एक रहस्य जैसा कुछ इसको लगता है क्योंकि इसके माइंड में एक कंफ्यूजन है कॉन्टिन्यूसली। खैर फाइनली ये लोग जॉन मॉर्गन के घर पे पहुंचते हैं और जॉन मॉर्गन उनको बोलता है कि यही मेरा घर है, आप अंदर चले जाइए, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको बहुत घबराहट हो रही है। जॉन मॉर्गन कॉन्टिन्यूसली स्ट्रीट पे ही चलते रहता, वो अंदर नहीं जाता जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। एंड्रयू मैंशन अंदर जाता है, वो देखता है कि एक बहुत ही पतली सी सीढ़ी रहती है। एक्चुअली जॉन मॉर्गन ये लोग बहुत अमीर नहीं रहते तो एक छोटा सा घर इनका रहता है, तो पतली सी सीढ़ी रहती है और उस सीढ़ी से जब ये ऊपर जाता है एंड्रयू मैंशन तो देखता है एक छोटा सा रूम है, साफ सुथरा जरूर है, इट्स क्लीन, नीट एंड क्लीन, लेकिन फर्निश्ड नहीं है, बहुत ज्यादा फर्नीचर्स नहीं है और लाइट के नाम पर सिर्फ एक लैंप जल रहा है, दैट्स इट। और उस रूम में एक तो उसकी वाइफ सुजान मॉर्गन पड़ी लेटी रहती है बेड पे, एक मिडवाइफ जिसको दाई कहते हैं, पहले जब इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे तो वही दाई जो मिडवाइफ होती थी वही डिलीवरी कराती थी, तो वो एक मिडवाइफ जिसको आप नर्स भी कह सकते हो वो थी, और सुजान मॉर्गन की माँ एक 70 साल की जिसका बाल पूरा सफेद था एक लेडी थी, वो भी इस रूम में थी। जैसे ही एंड्रयू मैंशन रूम में एंटर करते हैं, जो सुजान मॉर्गन की माँ रहती है, मिसेस मॉर्गन की माँ, वो बोलती है कि हाँ डॉक्टर आप बैठिए मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। वो एक बहुत एक्सपीरियंस लेडी रहती है और वो ये समझती हैं कि अक्सर डॉक्टर्स जब देखते हैं कि डिले है डिलीवरी में, अभी नहीं होगा, तो वो लोग कह के अच्छा ठीक है हम बाद में आएंगे कह के चले जाते हैं और दोबारा नहीं आते। तो ये चीज वो घबराहट एंड्रयू मैंशन समझ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, मैं भागूंगा नहीं, मैं जब तक पूरा कर नहीं लूंगा सारा काम, बच्चे को सही सलामत डिलीवर नहीं करा दूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो वो पेशेंट को देखते हैं एंड्रयू मैंशन और फिर नीचे किचन के पास जाके बैठ जाते हैं, वहां पे वो चाय पीते हैं और जो कि मिसेस मॉर्गन बना करके ऑफ कोर्स देती है, और वहां पे एक आग जल रहा, फायर प्लेस है, जैसे वहां बहुत ठंड होती है लंदन वगैरह में, तो वहां पे क्या एक आग जल रहा है एक किनारे पे, और उस कॉन्टिन्यूसली रूम में एक गड्ढा जैसा होता है और वहीं पे आग जलता है और उस आग में जो कोयला है
वो उसकी टूटने की आवाज आ रही, क्योंकि रात का समय कहीं कोई साउंड नहीं, तो सिर्फ वो कोयला जो हल्का जलता है तो एक आवाज आती, वो आवाज आ रही, घड़ी के टिक 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 चलने की आवाज आ रही, सिर्फ यही कुछ साउंड्स थे जो उस वक्त सुनाई दे रहे थे। और हाँ, एक आवाज और था जो कि जॉ मॉर्गन बहुत टेंशन में तेज तेज रोड पे चल रहा था, उसके फुटस्टेप्स के भी साउंड थे। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये अराउंड वेस्टर्न पार्ट की है, तो वहां पे बहुत ठंड पड़ती है, इस वजह से इस तरह के फायर प्लेसेस एंड ऑल का जिक्र है। थोड़ी देर बाद फिर एंड्रयू मैंशन ऊपर जाता है, पेशेंट की हालत देखता है, उसको लगता है कि थोड़ा देर है, वो वापस से नीचे आ जाता है। और अब वो डिसाइड कर चुका था कि वैसे भी जब वो घर जाएगा तो उसको टेंशन, जो उसका कंफ्यूजन है, क्रिस्टिन के साथ जो प्रॉब्लम हुआ, वही सब उसको ध्यान में आएगा, और वो सो तो ऐसे भी नहीं पाएगा, इसलिए उसने सोच लिया था कि अब सब काम करके ही मैं घर जाऊंगा। तो चुपचाप वो किचन के पास एक चेयर पर बैठता है, अपना ठुड्डी ऐसे करके रेस्ट करता है अपने चेस्ट पे, और अपने पैर को पूरा फैला करके ऐसे लेटा रहता है, नॉट लाइक लेटा नहीं रहता, जस्ट पैर स्ट्रेच करके इट्स लाइक थोड़ा वो रेस्ट करता है। और तभी उसके माइंड में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, वो सोचता है कि शादी जो है वो कितना लाइक इट्स सच अ फेलियर एवरीवेयर। वो अपने कुछ जानने पहचाने लोगों का जिक्र करता है, जैसे वो एक नाम लेता है कि ब्रामवेल, मे बी उसका कोई एक्वेंटेंस जान पहचान वाला हो, उसके बारे में सोचता है कि उसकी पत्नी उसको कितना मूर्ख बनाती है और वो उसको एकदम डिवोटेड है। फिर वो अपने अपने जो टीचर रहते हैं एडवर्ड पेज, डॉक्टर एडवर्ड पेज, उनकी वाइफ के बारे में सोचता है कि वो कितनी झगड़ालू है, कितनी क्वारलिंग है, जिसका नाम ब्लॉडविन रहता है एडवर्ड पेज की पत्नी का, वो कितना झगड़ा करती हैं। फिर वो एक डेनी, उसका एक और मे बी एक्वेंटेंस है, उसके बारे में सोचता है कि वो खुश नहीं है, दुखी भी है, अपनी पत्नी से अलग भी रहता है और दुखी भी है। तो बहुत सारे अपने जान पहचान वाले लोगों के बारे में सोचता है, उनके प्यार के बारे में सोचता है, उनकी शादी के बारे में सोचता है, और ये बहुत टेंशन में रहता है, उदास रहता है। लेकिन इसको हमेशा एक चीज वो चाहता था कि शादी को वो एक हैप्पी थिंग देखना चाहता, एज अ चार्मिंग सिंपल थिंग देखना चाहता था। और जब भी क्रिस्टीन का चेहरा उसके सामने आता था, उसको वैसा ही लगता है, उसकी आंखों की वो जो चमक वो इमेजिन करता है अपने मन में, उसको क्रिस्टीन की बहुत याद आ रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज हार्ट एंड हिज माइंड। ऑफ कोर्स वो चूंकि उसको पसंद करता था, उस लड़की से प्यार करता था, तो उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन द माइंड वाज सेइंग समथिंग एल्स, तो इस वजह से वो कंफ्यूजन के स्टेट में था। और तभी उसकी उस ध्यान देता है कि वो जो मिसेस मॉर्गन की माँ रहती है, वो कंटिन्यूअसली उसको ऐसे देखते रहती है, और वो लेकिन वो उनको देखता जरूर है कि वो देख रही है, मगर वो अपने ही ख्यालों में कहीं खोया रहता है। तभी वो उसको इंटरप्ट करती है कि डॉक्टर डॉक्टर, वो एक वर्ड है बैक्स, BACH। तो वो जब हम किसी अपने को एड्रेस करते हैं तो हम उसके नाम के बाद वो बैक्स वर्ड लगाते हैं, तो वो बार बार उसको ऐसे उठाती है, तो उसका ध्यान टूटता है कि अरे वो तो सोचते सोचते ये भूल ही गया था कि वो किसी पेशेंट को देखने आया है, वो अपने ही ख्यालों में कहीं और खो गया था। तो जब उसकी माँ उसको उठाती है मिसेस मॉर्गन की, तो वो बोलती है कि सुजैन ने कहा था कि बेहोशी की दवा, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, उसको एनेस्थेटिक है, तो उसको नहीं देने के लिए अगर इससे बच्चे को कोई भी नुकसान होता है। तो जो डॉक्टर एंड्रयू मैंशन ये बोलते हैं कि नहीं नहीं इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं जो भी करूंगा सब सोच समझ के करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तभी नर्स जो है वो एंड्रयू मैंशन को बुलाती है, और तब वो घड़ी पे देखता है करीब 3:30 बजे थे, वो दौड़े दौड़े ऊपर जाता है, और तब वो माँ को देख करके उसको लगता है कि हाँ अब काम शुरू करना पड़ेगा। करीब 1 घंटे के बहुत मेहनत के बाद एक बच्चा डिलीवर होता है, लेकिन ही वो स्टिल बॉर्न, उसके अंदर सांस नहीं थी, वो सिर्फ मतलब एक बॉडी तो था लेकिन वो जिंदा नहीं था। अब डॉक्टर बहुत घबरा जाता है कि वो एक्चुअली करे क्या, उसके पास एक डायलेमा, एक दुविधा हो जाता है कि जो माँ बेहोश है उसको रिवाइव करने की कोशिश करे या बच्चे की जान बचाए। तो वो इतना उसको होश नहीं था, उस जल्दी से बच्चे को देता है मिडवाइफ को और फटाफट उसके माँ को बचाने में लग जाता है। वो जो एक शीशी होती है जिसमें की दवा होता है, उससे इंजेक्शन वो सिरिंज में दवा लेता है, उस माँ को देता है, माँ थोड़ा थोड़ा जब उसको लगता है कि हाँ ये हल्के हल्के होश में आ रही है, तब जल्दी से माँ को छोड़ता है, फिर बच्चे को पूछता है मिडवाइफ से बच्चा कहाँ है, तो मिडवाइफ को लगता है बच्चा मर गया था, इसलिए वो उसको बेड के अंदर घुसा देती है। तो ये तुरंत नीचे झुकता है, वो केयरफुली बच्चे को ढूंढता है, उसको बाहर निकालता है, और फिर बार बार कंटिन्यूअसली उसको पंप करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि ये बच्चा जो कि ठीक एक आदमी की तरह है, लेकिन कितना सुस्त है, पूरा उसका बॉडी जो है वो वाइट हो चुका है। तब इसको याद आता है कि ऐसा वाइटनेस तभी होता है जब दो बीमारी हो, या तो एस्फिक्सिया हो या फिर पेलिडा हो। दोनों ही केस में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बच्चे को उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसलिए बच्चे का लाइफ खत्म होने लगता है। तो याद आता है कि सेमेरिया में जब वो था,
जो कि इसराइल में इसराइल को कहते हैं, तो वहां पे इसने एक सैमरिटन वे सीखा था। तो फटाफट मिडवाइफ को बोलता है कि दो बेसिन लाओ और गर्म पानी ठंडा पानी लाओ। तो जब तक कि वो गर्म पानी ठंडा पानी आता तब तक वो कंटिन्यूअसली बच्चे को एक स्पेशल वे ऑफ रेस्पिरेशन उसको पंप करता है, तब तक पानी आ जाता। तो एक बेसिन में पूरा ठंडा पानी रखता है और दूसरे बेसिन पे ठंडा पानी में गर्म मिक्स करता, उतना ही गर्म जितना कि वो सह सके कोई भी आदमी। और फिर बच्चे को कंटिन्यूअसली एक ठंडा गर्म ऐसे पानी में हल्का हल्का उसको भिंगाता है, लेकिन बच्चे को फिर भी होश नहीं आता। पूरा मतलब 15 मिनट में वो पूरा पसीने पसीने हो जाता है, क्योंकि वो हर कोशिश करना चाहता है कि बच्चा बच जाए। आफ्टर ऑल उसने प्रॉमिस किया था कि वो बच्चे और माँ दोनों को बचा लेगा। तभी मिडवाइफ कहती सर छोड़ दीजिए, पॉसिबल नहीं है, बच्चा मरा हुआ ही जन्म लिया था। और जो बच्चे की नानी है मतलब मिसेस मॉर्गन की माँ, वो कॉन्टिन्यूसली दीवार पे ऐसे पीठ टिका के खड़ी है, अपने गर्दन को ऐसे पकड़ी है, बहुत डर रही है। लेकिन तभी डॉक्टर को हिम्मत हारने का मन नहीं कर रहा था और वो बच्चे को लेकर के एक फाइनल कोशिश करता है, उसके पीठ को ऐसे रब करता है टॉवल से और कॉन्टिन्यूसली उसके लंग्स को ऐसे प्रेस करता है, छोड़ता है, प्रेस करता है, छोड़ता है। अचानक से एक चमत्कार हो जाता है, बच्चे के नाक में से कुछ म्यूकस जो फंसा था वो निकलता है और वो पंपिंग से कॉन्टिन्यूसली उसका हार्ट खुद वर्क करने लगता है और धीरे धीरे जो बॉडी व्हाइट हो चुका था वो कलरफुल होने लगता है और एक जॉय चारों तरफ खिल जाता है। मिसेस मॉर्गन की माँ जो कि ऐसे करके उदास थी, वो उसका वो थोड़ा उसका हाथ ऐसे जोड़ लेती है, वो लिप्स अपना हिलाने लगती, शायद वो भगवान से कुछ प्रे कर रही थी, थैंक यू बोल रही थी भगवान को, क्योंकि वो बार बार यही सोचती है कि वो कितनी खुश थी कि वो नानी बनेगी। जितना कि मिसेस मॉर्गन खुश थी कि वो माँ बनेगी, उतना ही वो भी खुश थी कि वो नानी बनेगी। और जब बच्चा जिंदा हो जाता तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और तब वो बच्चे को जो डॉक्टर है वो मिडवाइफ को दे देते हैं और वहां से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा। और नीचे जाते जहाँ बर्तन वगैरह धुलता वहां बैठते हैं, अपना हैट अपना ओवरकोट वगैरह पहनते हैं और फाइनली वो खुश होते हैं कि उसने उन्होंने कुछ किया और वो घर के बाहर निकलते हैं जहाँ उनको जॉब मॉर्गन मिलता है और उनको वो बोलते हैं कि चिंता मत कीजिए, आपकी बच्चे और आपकी वाइफ दोनों ही सेफ है, सही सलामत है। और फिर वो आगे चलते और वो सोचते रहते कि फाइनली मैंने किसी की जिंदगी बनाई, बचा ली, मैंने सचमुच कुछ किया एज अ डॉक्टर, मेरी जिंदगी आज सार्थक हो गई है। और उस वक्त रोड में और कोई नहीं था, सिर्फ वो थे, कुछ वर्कर्स जो नाइट शिफ्ट से लौट रहे थे वो वर्कर्स थे, वो खुद थे और वो अपने ही फुटस्टेप्स को सुन रहे थे। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज, थैंक यू।